हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार आईटीआई का जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका एडमिट कार्ड कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, उसका एडमिट कार्ड आज आने वाला है, तो उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप उसको चेक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है आईटीआई, यहाँ पर सीएटी, यहाँ पर आपको एकदम अच्छा से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीआई सीएटी, आपको लिख करके सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र में आईटीआई सीएटी। तो जैसे ही आप इसको लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे में उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं ये सब, ये दोनों उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये स्पेशल आईटीआई का जो है वेबसाइट है। तो हम लोग को इसी पे क्लिक करना है, सेकेंड वाले पर। तो आपको फ्रेंड्स इसी पर यहाँ पर लिखा हुआ बी सी ई सी ई बी और कोस्ट में लिखा हुआ आईटीआई सीएटी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर खुल गया है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस, यहाँ पर कंपटेटिव एग्ज़ाम बोर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको इसको डेस्कटॉप साइट पर डाल के दिखाते हैं ताकि अच्छा से दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए अभी इसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो यहाँ पर ऊपर में जो भी इसका प्रोसेस होता है हम आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताएँगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है आईटीआई सीएटी और उसके बारे में पूरा यहाँ पर उसका जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए था पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी और सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड आया नहीं है, उम्मीद है कि आज शायद आ जाएगा एडमिट कार्ड इसका। तो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहाँ पर जो है देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एक नया लिंक मिलेगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला था कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पिछले साल का, यह है जो पिछले बार जो एडमिट कार्ड आया हुआ था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो उसमें अब बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर नया दिखाई दे रहा है पिछले साल का है। तो इस बार भी जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आपको वो जो पेज मैंने दिखाया था वहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको क्लिक हियर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा तो आपसे यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको पूछ रहा है, और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका एडमिट कार्ड दिख शो कर देगा। दोस्तों एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहाँ पर जो है वहाँ पे नया आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड और एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने पिछले साल का लिया हुआ था स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पर जो कि अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, तो क्लिक हियर रहेगा, क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर सबमिट करेगा तो आपका एडमिट कार्ड शो कर देगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।